हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल वंस अगेन एट लोके सर अनलिमिटेड स्टडी जोन तो चल रही है क्लास यूनिट एंड डायमेंशन की कल यूनिट एंड डायमेंशन में हमने डायमेंशनल एनालिसिस का पूरा डिस्कशन कर लिया था याद है आप लोगों को डायमेंशनल एनालिसिस जितना कुछ होता है कल मैंने आपको बता दिया डायमेंशनल एनालिसिस के सारे यूज देख लिए बट डायमेंशनल एनालिसिस की एक लिमिट है एक हद तक आकर के डायमेंशनल एनालिसिस फिर लगता नहीं है मतलब डायमेंशनल एनालिसिस एक स्थिति में आकर के अप्लाई होना बंद हो जाता है ओके सो so, आज हेडिंग बनाइए लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस लिमिटेशन ऑफ लिमिटेशन जी हाँ लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस ओके लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस सो पहली बात है कि डाइमेंशंस डायमेंशनल एनालिसिस डज नॉट डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड लिखिए डायमेंशनल एनालिसिस डज नॉट डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड जो डायमेंशनल एनालिसिस होता है ये मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता है यस yes. तो जो बच्चों डायमेंशनल एनालिसिस है ये मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता है इसका मतलब क्या हुआ बेटा जैसे मैं आपके सामने दो इक्वेशन लिख रहा हूं एस इक्वल टू यूटी प्लस एंड एस इक्वल टू यू टी प्लस ए स्क्वायर अगर आप डायमेंशन निकालते हो तो याद होगा आपको वन अंट टू की डायमेंशन क्या लेते थे कुछ नहीं एम जीरो एल जीरो टी जीरो क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट था यस yes ऑनो no? अब रूल वाइज आप डायमेंशन निकालोगे तो ये भी डायमेंशनली सही है एकदम इक्वेशन लेफ्ट साइड की डायमेंशन ईच ईच टर्म की डायमेंशन क्या है इक्वल है बोलो होंगी कि नहीं होंगी भाई इसकी हर टर्म के होंगी की डायमेंशन सेम होगी कि नहीं होगी ऊपर वाले की और नीचे वाले की सेम होगी कि नहीं होगी यस yes और नो no? हां मतलब कि इस वन अपॉन टू का पता नहीं चल पाएगा मतलब यदि मेरे पास कोई इक्वेशन ऐसे इक्वल टू यू टी प्लस स्क्वायर लिख दिया तो क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है हाँ ये डायमेंशनली करेक्ट है बट ये फिजिकली करेक्ट नहीं है इसलिए डायमेंशन एनालिसिस जो मैग्नीट्यूड लगता है, one upon two, one upon three है वो दिन, जितने लगते हैं इनके बारे में कोई गारंटी नहीं लेता समझे मेरी बात इनके बारे में कोई जानकारी नहीं लेता नहीं आई क्या समझ में बातें बोलो बड़े लेस कॉन्फिडेंट टाइप बैठे हो समझ में नहीं आया क्या हाँ भाई मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास में ये जो कांस्टेंट है चाहे आप ये इक्वेशन देख लो चाहे इक्वेशन देख लो निकाल लो ना अगर आपको डर लगे जो डायमेंशन बोलो एस की क्या होगी लेंथ होगी कि नहीं होगी यू की क्या होगी एलापॉन टी इंटू कितना टी इसकी कितनी होगी अपॉन टी का स्क्वायर हाँ है ना इंटू कितना टी का स्क्वायर टी स्क्वायर टी स्क्वायर टी से टी कैंसिल हो गया बोलो ये सोनो अब ये इसकी तो मतलब बिल्कुल सही आ रही है ये भी लेंथ है ये भी लेंथ है, है और ये भी लेंथ है बट क्या ये फिजिकली सही है कि नहीं है फिजिकली सही है कि नहीं है फिजिकली सही नहीं है मगर डायमेंशनली सही है प्रॉब्लम समझ में आई मतलब इक्वेशन के जो मैग्नीट्यूड है उसके बारे में कोई जानकारी का आता पता नहीं मिलेगा सो वट इज सेट डायमेंशनल एनालिसिस डज नॉट डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ये मैग्नीट्यूड को डिपेंड नहीं करता है यस ऑर नो सो इट कैन नॉट गिव यू इट कैन नॉट गिव यू द करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द मैग्नीट्यूड लिखो सो So, it cannot give the correct information about magnitude. Okay. So, does a dimensionally correct equation, listen, does a dimensionally correct equation ज नेसेसरली फिजिकली करेक्ट और नॉट नॉट सो अडायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन इज नॉट नेसेसरली फिजिकली करेक्ट एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन फिजिकली करेक्ट होगा इसकी कोई गारंटी हां ठीक है बाबू आ गया समझ में चलो अगली बात करते हैं देख सेकेंड धनी अब भाई एक चीज और बता दू मैं ये आपको न्यूमेरिकल कांस्टेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकता है कल जैसे हमने किया था फॉर्मूला याद करो T इक्वल्स टू के अंडर रूट एल अपॉन याद आया डायमेंशन एनालिसिस से इसके के बारे में जानकारी कोई नहीं मिलती रही है याद आया मतलब ये आपको फिजिकल कांस्टेंट के बारे में कोई करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देगा तो लिखिए Like the numerical constants have no dimension the numerical constants have no dimension so it cannot be deduced no dimension numerical constants have no dimension so they cannot be deduced by method of dimension ओके क्लियर लास्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट ये है कि ये जो आपका मेथड ऑफ डायमेंशन वैलिड होता है ये प्रोडक्ट टाइप रिलेशन में वैलिड होता है किस टाइप में कल जो हमने रिलेशन निकाला था याद कीजिए आपका रिलेशन क्या था t इज प्रोपोर्शनल टू l की पावर a m की पावर b एन g की पावर यस ऑनो क्लियर है ना एक और लिमिट है कि हम इसमें तीन फिजिकल क्वांटिटी तक लगा सकते हैं चार फिजिकल क्वांटिटी का हो सकता है मगर आप क्लास 11 में हो इसलिए चार फिजिकल क्वांटिटी हमारी पहुंच में नहीं है ये सोनो वी कैन अप्लाई दिस डायमेंशन एंड एनालिसिस कॉन्स्टेंट अप टू थ्री वेरिएबल वेरिएबल थ्री वेरिएबल समझ गए ना तो लिखो डेस्क करके लिख दो अप टू थ्री वेरिएबल लिमिटेशन है अप टू थ्री वेरिएबल बस चल जाएगा अप टू थ्री वेरिएबल ठीक है अब एक और जगह ये फेल कहां पे होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है अगर मान लीजिए किसी फॉर्मूले में लॉग का टर्म आ गया e की पावर का टर्म आ गया वहां पर आप इस फॉर्मूले का इस डिडक्शन का यूज करके डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके रिलेशनशिप नहीं दे पाएंगे लिखिए दिस मैथड इज एप्लीकेबल ओनली दिस मैथड इज एप्लीकेबल ओनली इफ द रिलेशन इज ऑफ़ प्रोडक्ट टाइप दिस मैथड इज एप्लीकेबल ओनली If the relation is of product type, it fails, it fails in the case of, it fails in the case of, case of exponential. एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन इट फेल्स इन द केस ऑफ एक्सपोनशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन तो बच्चों अगर बात होगी एक्सपोनेंशियल रिलेशन की और ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन की तो ये जो है फेल कर जाएगा बाकी बात आई बच्चों समझ में अगर एक्सपोनेंशियल रिलेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन की बात होगी तो क्या कर जाएगा ये फेल कर जाएगा तब ये अप्लाई नहीं होगा तो आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा बच्चों जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन इन्वॉल्व हो आपका एक्सपोनेंशियल इन्वॉल्व हो ऐसा कोई भी रिलेशन आपको नहीं मिलेगा मतलब मेरे कहने का मतलब तुम कहो कि कोई फिजिकल क्वांटिटी क्यू इज इक्वल टू समिंग पी टी एंड साइन ऑफ थीटा साइन साइन ऑफ एल बाई जी ऐसा कुछ तो आप इसमें डायमेंशनल एनालिसिस का कंसेप्ट नहीं लगा सकते हो आप इसमें डायमेंशनल एनालिसिस का कंसेप्ट नहीं लगा सकते हो क्यों बिकॉज साइन थीटा बैठा हुआ है क्या बैठा हुआ है साइन थीटा ठीक है ना जिसमें एक्सपोनेंशियल बैठा हो ई e की पावर समथिंग यहां पर आप एनालिसिस है इनको डिवाइड नहीं कर सकते हो इनको डिवाइड नहीं कर सकते हो क्यों नहीं कर सकते हो क्योंकि बेटा इसके अंदर जो आने वाला है साइन थीटा आपको पता है थीटा क्या, क्या होता है डायमेंशन लेस क्या होता है डायमेंशन मतलब उसकी जो डायमेंशन होती है वो एम जीरो एल जीरो और क्या होती है मतलब कौन सी दो चीजों को डिवाइड कर दो कितनी सारी चीजों में कौन सी दो चीजों को डिवाइड कर दो ये अपने बस की बात नहीं है हाँ या ना इसलिए इसको हम ऐसा यूज करके डिड्यूस नहीं कर सकते बोलो बच्चों समझ में आ गया चलिए अगला टॉपिक लिखो भाई साहब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है ना अब अब हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन करने जा रहे हैं हम बता रहे हैं आपको कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है जैसे आपने देखा है कि मैं बोलूंगा आपसे कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन का मास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नाइन पॉइंट वन इंटू टेन की पावर माइनस थर्टी वन बोलो यस तो बेटा जी ये जो ऑर्डर कहलाती है ये जो पावर होती है इसकी इसको बोलते हैं ऑर्डर क्या बोलते हैं इसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऐसे समझो जैसे कि तुम उससे कहोगे कि कोई इंसान है कोई इंसान है वो कितने किलो का होगा तुम बोलोगे उसकी ऑर्डर कितनी है उसके वेट की उसके मास वेट की ऑर्डर कितनी है तो मैं बोलूंगा टेन की पावर टू कितना होगा टेन की पावर उसका वजन सैकड़ों में होगा इंसान का वजन किस में होगा सैकड़ों में कोई बहुत भारी होगा तो 200 किलो का होगा होगा कि नहीं होगा 230 किलो का होगा 240 किलो का होगा भाई 400 किलो का होगा ले अब तुम तो मेरे से कहो कि एक इंसान है जिसकी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है 10 की पावर 5 क्या मैं कभी मानूंगा मान सकता हूं कि आप मान सकते हो बताओ एक बंदा है जिसकी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड टेन की पावर फाइव है मेरे भाई टेन की पावर फाइव मतलब एक लाख क्या कोई एक लाख किलोग्राम का इंसान हो सकता है कितना भी खा ले एक लाख किलोग्राम का इंसान नहीं हो सकता हाँ या ना क्योंकि वो उसकी ऑर्डर के बाहर है किसके बाहर है ऑर्डर के बाहर है हाँ या ना क्लियर हो गया कोई कितना भी दुबला पतला हाथी हो उसका वजन दस किलोग्राम से लेकर के सौ किलोग्राम के बीच में नहीं हो सकता है हाया ना समझ में आया तो उसकी कहोगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड टेन की पावर वन मैं कभी भरोसा नहीं करूंगा कभी कभी नहीं अरे कैसे हो जाएगा यार हाथी का वजन टन में होता है किस में होता है टन में मतलब वन थाउजेंड किलोग्राम की पावर सात हजार किलोग्राम आठ हजार किलोग्राम कोई दस हजार कोई पंद्रह हजार आया समझ में तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताता है कि कोई चीज जो है किस ऑर्डर की है ठीक है सो so, हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आपको बता रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड किसी फिजिकल क्वांटिटी का लिखे इफ द वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी पी सेटिस्फाई इफ द वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी पी सेटिस्फाई पी की जो वैल्यू है बच्चों वो 0.5 पॉइंट फाइव इंटू की पावर एक्स से लेके फाइव इंटू टेन की पावर एक्स तक है फाइव इंटू टेन की पावर एक्स तक है और यहां पर एक्स इज एन इंटीजर एक्स क्या है इंटीजर है तो हम एक्स को कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ये रूल है ये समझ लो बस आपको यह चीज याद रखना है 0.5 से लेकर 10 की पावर x से लेकर 5 इंटू टेन की पावर x। इसके एडजस्टमेंट में लेके आना है आपको तो आपको ऑर्डर मिल जाएगी मतलब जो आपका पहला डेटा वो कितना होना चाहिए जीरो पॉइंट फाइव से लेके फाइव और बाकी टेन की पावर जो आना हो आने दो एक क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल क्लियर हो जाएगा लिखिए द डायमीटर ऑफ द सन इज एक्सप्रेस एज डायमीटर ऑफ द सन इज एक्सप्रेस एज थर्टीन पॉइंट नाइन इंटू टेन की पावर नाइन मीटर थर्टीन पॉइंट नाइन इंटू टेन की पावर नाइन मीटर ये डायमीटर ऑफ द सन है डायमीटर ऑफ द सन है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड तो बताना है आपको कि इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा मतलब 10 की पावर बतानी होगी चलो बोलो कितना होगा क्या लग रहा है प्रियांशु बेटा बोलो जल्दी कितना लग रहा है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसका हाँ? अरे बच्चों हमने कहा है आपसे आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताना है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब बच्चों होता है ये बताना आपको बोलो हाँ अब आपने देख करके बोल दिया नाइन मगर इसको भी तो देखो कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के लिए जो ये आपका मल्टीप्लायर है टेन की पावर के साथ जो भी है मल्टीप्लाई में वो जीरो से लेकर कितना होना चाहिए फाइव और ये कहना तेरह बहुत आगे है हा है ना

Nine. नहीं होगा वन पॉइंट थ्री नाइन कितना पावर इसके साथ इन्वॉल्व हो गई तो बोलो कितना हो गया टेन की पावर टेन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा जो इसके ऊपर चढ़ा हुआ, हुआ है टेन के ऊपर बोलो कितना चढ़ा हुआ है तो समझ में आ गया तो कोई बोले कि भैया इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है बोलो आंसर कितना होगा टेन टेन की पावर टेन नहीं होगा ओनली टेन होगा आप टेन बोलोगे सामने वाला बंदा खुद समझ में आया अच्छा 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 भाई साहब मतलब टेन की पावर टेन रहा होगा आपसे मैं बोलूंगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है आप बोलोगे भाई साहब कितना टेन की पावर फाइव सॉरी फाइव बोलोगे तो मैं समझ जाऊंगा टेन की पावर फाइव बोलो या सोनो चलिए आपके वजन का हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं कितना वेट है आपका बोलो देखा नहीं वेट चलो भाई फिफ्ट मैं मान लेता हूं अपना आपका वेट मैं कितना मान लेता हूं बोलो सिक्सटी थ्री सिक्सटी टू ज्यादा बोल दिया तुम्हारा कितना है? नहीं देखा तुमने चलो ठीक है तो आपने कह दिया भाई साहब आपने कह दिया है कि आपका वेट जो है फिफ्टी के आसपास है ठीक है ना फिफ्टी टू मान लेता हूं मैं ओके ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में मैंने क्या बताया जीरो पॉइंट फाइव इंटू टेन की पावर एक्स से लेकर के कहां तक भाई साहब जीरो पॉइंट फाइव इंटू टेन की पावर एक्स से लेकर के फाइव इंटू टेन की पावर एक्स फाइव इंटू टेन की पावर एक्स चलिए सही है तो बेटा ये फिफ्टी टू है कितना है फिफ्टी टू है मैंने टेन का मल्टीप्लाई किया नीचे और टेन का मल्टीप्लाई किया ऊपर तो बच्चे ये बन गया फाइव पॉइंट टू इंटू टेन की पावर वन बोलो ये सोनो अभी ज़्यादा है कि नहीं है अनुमति कहाँ तक है पांच तक की है बोलो ये सोनो अनुमति कहाँ तक, तक की है तक की और आप कहां पर बैठे हो फाइव पॉइंट टू मतलब क्या हो आगे हो नहीं हो क्या फाइव पॉइंट टू मतलब हो। तो क्या करना पड़ेगा एक बार और दस का मल्टीप्लाई डिवाइड तो में नीचे टेन का डिवाइड और फिर से टेन का क्या मल्टीप्लाई और ऊपर से एक और तो टेन था कि नहीं था तो टेन इंटू टेन कितना हो गया हंड्रेड यानी टेन की पावर कितना टू और ये हो गया जीरो पॉइंट फाइव टू इंटू टेन की पावर टू बन गया आ गया करेक्ट फॉर्मेट में आ गया अभी भी नहीं आया क्यों नहीं आया तो उससे क्या दिक्कत है उससे कोई दिक्कत नहीं है क्या लिखा था 0.5 से बड़ा 0.5 पॉइंट फाइव इंटू की पावर एक्स बड़ा और 5 से क्या हो जाएगा छोटा ये भी तो देखो मेरे भाई वैल्यू इससे बड़ी और इससे छोटी तो रहें दो ना बड़ी समझ में आया पक्की बात 5 से छोटी रहे और 0.5 से बड़ी रहे तो बोलो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है इसका बस आ गया मजा मर्द बिल्कुल बिल्कु, बिल्कुल सही कर सकते हो कर सकते हो इस बच्चे ने कहा कि सर डायरेक्ट हंड्रेड से कर सकते हैं कर सकते हो बिल्कुल बट फिर 0.5 याद रहे मैंने एक एक स्टेप इसलिए करके बताया कि गलती ना हो बोलो हाँ ना समझ में आ गया हाँ डायरेक्ट हंड्रेड से करना डायरेक्ट हजार से मत कर देना हजार कर दोगे तो जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव हो जाए जीरो फाइव हो जाएगा छोटा हो जाएगा हाँ जी ना बेटा हाँ तो बस मतलब आपसे मेरे से कोई पूछेगा कि प्रियांशु का वजन किस ऑर्डर का है मैं क्या बोलूंगा टेन की पावर टू टेन की पावर टू यस और नो और वैसे भी देखो समझ में आ रहा है टेन की पावर टू मतलब मतलब ऑर्डर टू है तो ऑर्डर टू लगाने के बाद टेन की पावर टू मतलब कितने किलोग्राम हंड्रेड किलोग्राम हंड्रेड इसके अंदर है 100 किलोग्राम कहेंगे कि तुम 100 किलो के हो गए इसके अंदर है समझ गए ना मतलब इंसानों का जो वजन होता है वो सैकड़ों तक हो सकता है सैकड़ों तक की लिमिट में मतलब दो जीरो के अंदर ही होगा समझ गए ना एक ऑर्डर ये बताता है एक ऑर्डर ये बताता है ऐसे मैं तुमसे पूछ लू भोपाल कितना होगा तो बोलो यही तीन चार सौ किलोमीटर होगा पांच सौ होगा छह सौ होगा सात सौ होगा बोलो हाँ ना मैं बोलो भोपाल कितना तो तुम ऐसे तो नहीं बोलोगे पांच करोड़ किलोमीटर होगा क्योंकि वो ऑर्डर बहुत ज्यादा हो जाएगा है ना तो ऑर्डर क्या देता है एक आइडिया देता है कि लगभग कैसा होगा पक्की बात समझ में आ गया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्लियर हो गया बच्चों कोई दिक्कत अब आते हैं अगले टॉपिक पे भाई साहब नाम हेडिंग डाल लो इसको नोट कर लो थोड़ा सा चलिए बच्चों हम लगभग एंड पे पहुंचते जा रहे हैं इस चैप्टर के अगला टॉपिक लिखो सिग्निफिकेंट फिगर्स सिग्निफिकेंट फिगर्स सिग्निफिकेंट को हिंदी में बोलते हैं सार्थक जिसका कोई अर्थ निकले सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ है निकले दुनिया में आप बहुत सारी मेजरमेंट करते हो और खासकर जब वो मेजरमेंट छोटी हैं, तो आप उनको किस एक्यूरेसी तक बताएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हाँ या ना आप उनको किस एक्यूरेसी तक बताएंगे जब ये बहुत क्या हो जाता है इंपॉर्टेंट जब आप बचपन में डेसिमल डिवीजन करते थे तो क्वेश्चन लिख करके आता था आंसर द डेसिमल डिवीजन अप टू थ्री डेसिमल डिजिट आता था अप टू कितने डेसिमल डिजिट मतलब डेसिमल के तीन डिजिट के बाद आप आंसर देते थे बोलो यस और नो और तीसरे डिजिट को नॉर्मली राउंड ऑफ कर देते थे क्या कर देते थे मतलब पांच से बड़ा है तो छह कर देते थे पांच से छोटा है तो छोड़ देते थे यस और नो हाँ या ना अब सवाल है कि अगर तीन डिजिट में ना आंसर देकर के चार डिजिट में दोगे पांच डिजिट में दोगे तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी या घटेगी क्या होगा भैया तीन डिजिट में ना आंसर देकर के चार डिजिट में दिए और ज्यादा डिवाइड कर लिए पांच डिजिट में दिए तो एक्यूरेसी क्या हो रही है बढ़ रही है एक्यूरेसी क्या हो रही है बढ़ रही है ना हाँ तो सिग्निफिकेंट फिगर्स भी बढ़ रहे थे क्या हो रहे थे सिग्निफिकेंट फिगर्स तो सिग्निफिकेंट फिगर्स किसी मेजरमेंट की सिग्निफिकेंसी को दिखलाते हैं कि वो मेजरमेंट कितना ज्यादा एक्यूरेट है कितना ज्यादा एक्यूरेट है मतलब आप कितने ज्यादा प्रेसाइज हो कितने ज्यादा क्लोज हो एक्चुअल मेजरमेंट के समझ में आया इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स ठीक है ना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ हा अब देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को लिखने के कुछ रूल हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को गिनने के कुछ रूल हैं इसको काउंट किया जाएगा क्या किया जाएगा काउंट किया जाएगा कुछ रूल ऐसे हैं जो आपको लगेंगे कि हां हां सही है और कुछ रूल ऐसे हैं जो आपको लगेंगे कि गलत हैं समझ गए ना आपका मन एक्सेप्ट नहीं करेगा बट उनको एक्सेप्ट आपको करना पड़ेगा तो आइए अपन आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल बता रहे हैं बच्चों पहला है फर्स्ट है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट जो होते हैं उनको सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट किया जाएगा ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट फिगर्स जैसे आपके पास कोई नंबर है फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड सिक्सटी फाइव काउंट कर लीजिए वन टू थ्री फोर बोलो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं? फोर सिग्निफिकेंट डिजिट ठीक है फोर सिग्निफिकेंट डिजिट हैं अगर आपके नॉन जीरो नंबर के बाद में एंड में जीरोज आ रहे हैं नॉन जीरो नंबर के एंड में क्या आ रहे हैं तो उनको सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट नहीं किया जाएगा उनको सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट नहीं किया जाएगा जैसे थ्री सिक्स फाइव डबल जीरो लिखा है ट्रिपल जीरो लिखा है बोलिए कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं कितने हैं थ्री सिग्निफिकेंट डिजिट है ये यूजलेस है ये क्या है यूजलेस आई बात समझ में अगर मैंने लिख दिया सन की दूरी थ्री इंटू टेन की पावर सॉरी लाइट की स्पीड थ्री इंटू टेन की पावर एट मीटर पर सेकेंड तो बताइए इस आंकड़े में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वन बिल्कुल सही क्योंकि टेन की पावर एट क्या देगा आठ जीरो दे देगा और अभी मैंने बताया बात के जीरो जिनको हम बोलते हैं ट्रेलिंग जीरो क्या बोलते हैं ट्रेलिंग जीरो क्या बोलते हैं बच्चों यूजलेस ट्रेलिंग जीरो क्या है गाइज यूजलेस हैं, सो आंसर यहां पर सिग्निफिकेंट डिजिट कितने बनेंगे बहुत बढ़िया कितने बनेंगे वन बनेंगे समझ में आ गया ना चलिए दो रूल बना दिया तीसरा रूल बच्चों अगर दो नंबर है नॉन जीरो दो नंबर है नॉन जीरो एक बैठा है ए और एक बैठा है बी इनके बीच में जितने भी जीरो नंबर आएंगे उनको भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा एज अ सिग्निफिकेंट डिजिट जैसे आपके पास मान लो यहां पे ए है यहां पे लिखा है वन यहां पे लिखा है फाइव बीच में जीरो 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 चाहे कितने भी भरे हैं कहीं डेसिमल लगा है कुछ लगा है इनको सबको सिग्निफिकेंट माना जाएगा बोलिए कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं यहां पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन बिल्कुल सही है यहां पर सेवन सिग्निफिकेंट डिजिट हैं ओके ऑल जीरोज एक् बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स बिल्कुल सही ठीक अब एक रूल और है डेसिमल के जस्ट शुरू के जीरो और डेसिमल के आफ्टर के लगातार जीरो को सिग्निफिकेंट माना नहीं जाता है डेसिमल के शुरू के जीरो लेफ्ट साइड के और राइट साइड के जीरो लगातार हों कैसे हों अगर कोई बात बीच में नॉन जीरो आ जाएगा तो माना जाएगा मगर ये लगातार हैं तो इनको काउंट नहीं किया जाएगा बताओ कितने जीरो यहां पे कितने सिग्निफिकेंट हैं थ्री ओनली ये काउंट होगा वन टू थ्री तो यहां पे सिग्निफिकेंट डिजिट कितने आ जाएंगे थ्री नोट कर लीजिए ठीक है लास्ट रूल वन पॉइंट फोर सेवन फाइव सिक्स जीरो बताइए कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है वन टू फोर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स ही तो है भैया अब आप क्या इस जीरो को छोड़ सकते हो नहीं डेसिमल के बाद लगा है जीरो लगातार में होता तो छोड़ देते बट यदि किसी नंबर के बाद है तो उसको छोड़ोगे नहीं आई बात समझ में ना तो आंसर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं सिक्स समझ गए ना तो डेसिमल के बाद अगर कोई नॉन जीरो नंबर है ओके okay? डेसिमल के राइट right साइड में अगर कोई नॉन जीरो नंबर है और उसके एंड में आ रहा है जीरो या बीच में कहीं पर आ रहा है कम से कम एक नॉन जीरो डिजिट के बाद तो उसको काउंट किया जाएगा उसको काउंट किया जाएगा बट बेटा यदि लिखा होता आपके पास में 0.0073 डेसिमल के बाद दो जीरो है बताओ कितने सिग्निफिकेंट डिजिट टू कितने सिग्निफिकेंट डिजिट टू ओके यस जी लिखा होता 1.0023 पॉइंट बोले कितने सिग्निफिकेंट डिजिट फाइव ये नॉन जीरो है कि नहीं है तो बीच में लपेट लो इसको वन टू थ्री फोर फाइव पक्की बात चलो सिक्स लगा देता कितने सिग्निफिकेंट डिजिट सिक्स हो जाते। एक जीरो और लगा दिया तो कितने हो गए सिक्स हो गए बोलो क्लियर है एकदम सिग्निफिकेंट डिजिट पूरे क्लियर हो गए ना चलो बहुत बढ़िया तो ये है सिग्निफिकेंट डिजिट की कैलकुलेशन करने का तरीका इस तरीके से सिग्निफिकेंट डिजिट को काउंट किया जाता है अब सिग्निफिकेंट डिजिट पर कुछ कैलकुलेशंस आती हैं कुछ फाइंड करने को आता है हमें न्यूमेरिकल आते हैं उन न्यूमेरिकल को मैं आपको बता रहा हूं यहां तक बच्चों कोई डाउट है क्या पूछना है कुछ पक्का क्लियर हो गया ये सारे रूल्स आपके पीडीएफ में दिए हुए हैं इनको अच्छे से ऑब्जर्व करना लिख लेना है बेटा चलो अब आते हैं आगे अपन एलजेबरिक ऑपरेशन ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स चलिए बच्चों अब सिग्निफिकेंट फिगर पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स पर बेस्ड हम एलजेब्रिक ऑपरेशन करते हैं और इस एल्जेब्रिक ऑपरेशन में मैं आपको सिखाऊंगा एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन एडिशन मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लीकेशन सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं एडिशन आपके पास दो क्वांटिटी हैं फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपके पास है एल इक्वल टू फोर पॉइंट थ्री टू सिक्स मीटर पहली क्वांटिटी और ब्रेथ इक्वल्स टू आपके पास में वन पॉइंट फाइव जीरो मीटर सेकेंड क्वांटिटी तो आपको इसका एडिशन करना है एडिशन करने के लिए सबसे पहले इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स गिन लो बोलो कितने हैं इसमें हाँ बहुत अच्छे इसमें कितने हैं थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं अब आपको इसका एडिशन करना है आप बिंदास इसका एडिशन कर दो चलो एडिशन करते हैं एल प्लस बी फोर पॉइंट थ्री टू सिक्स वन पॉइंट फाइव जीरो चलो आंसर कितना आया इधर सिक्स इधर कितना टू पांच और तीन कितना आठ और कितना आया फाइव आंसर कितना दोगे बेटा रूल है लेस सिग्निफिकेंट डिजिट का आंसर माना जाएगा किसका माना जाएगा लेस तो लेस में कितना बेटा थ्री है बोलो हां तो लेफ्ट साइड से काउंट करो वन टू थ्री बट देखो बेटा राउंड ऑफ ही चलेगा टू के बाद अगला डिजिट पांच से बड़ा है कि नहीं है? है ना कैसा है टू के बाद पांच से बड़ा है तो टू को राउंड ऑफ करो किसमें आएगा थ्री में सो करेक्ट आंसर होगा इसका फाइव पॉइंट एट थ्री सेंटी नोट कर लो बच्चों तो ये फाइव पॉइंट एट थ्री सेंटीमीटर मतलब आपका जो आंसर होगा एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बाद योर आंसर विल हैव द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट आपके जो डेटा दिए गए होंगे उसमें जो छोटा सिग्निफिकेंट डिजिट होगा वो है समझ में आया बेटा अगर यहां पे मैं तीसरी एक और चीज दे देता और उसमें अगर मैं दो सिग्निफिकेंट दे डिजिट दे देता तो मेरा जो आंसर आता किस में आता दो में किस में आता दो में समझ में आ गया हाँ चलो भाई साहब अगली बात करते हैं अगला है मल्टीप्लाई देखते हैं मल्टीप्लाई चलो मल्टीप्लाई ले लो बेटा एल दिया है 12.5 सेंटीमीटर और आपके पास ब्रेथ दी गई है 4.125 मीटर हाँ पहले वाले में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है भाई साहब थ्री और दूसरे वाले में कितने हैं चार तो भैया आपको मल्टीप्लाई करना है, आंसर कितने में दोगे लिस्ट में किस में दोगे Least में तो लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कितने होंगे बेटा थ्री चलो तो कर दो एल इन टू बी फटाफट एल इन टू बी करो फिर मुझे बताओ हाँ भाई एल एन टू भी कितना आया वेरी गुड बेटा एल एन टू भी आया है 51.5625 अच्छा आंसर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट में देना है तीन में क्योंकि लिस्ट वाला ये है छोटा तीन है तो तीन में देना मतलब एक दो तीन बोलो या ना एक दो तीन ठीक ना तीन में आंसर देना है अब हम कैसे लिखेंगे देखो भाई अब हम कैसे लिखेंगे ये देखना है हमें तो हमें राउंड ऑफ करना है हमें राउंड ऑफ करना है एक मिनट गलत कर रहे हो बेटा आंसर आ रहा है फाइव सिक्स टू फाइव बेटा फाइव सिक्स टू फाइव ठीक है बेटा आगे समझे ना हां फाइव सिक्स टू फाइव है अब हमको आंसर लिखना है बेटा आपका तीन सिग्निफिकेंट डिजिट में तो मतलब हमको क्या करना है यहां पर राउंड ऑफ करना है बोलो हाँ है ना मतलब ये पूरे डिजिट को हमको क्या करना है गायब करना है तो पांच के बाद बोलिए क्या बैठा है छह बैठा हुआ है हाँ है ना और जब पांच के बाद आगे छह बैठा रहता तो ये बढ़ जाता है एक से तो बोलो आंसर कितना होगा फिफ्टी वन पॉइंट सिक्स मीटर स्क्वायर बोलो आगे ना तो ये सिग्निफिकेंट डिजिट के रूल्स हैं सारे हो गए मल्टीप्लीकेशन के रूल और डिवीजन के रूल क्लियर है ना चलिए नोट कर लीजिए अब आपको मैं अगले रूल्स बता रहा हूं रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ हेडिंग बना लीजिए इसको नोट करने के बाद रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ राउंड ऑफ करने के भी कुछ नियम है राउंड ऑफ में इवन और ऑड का पंगा जब आता है तो दिमाग घूम जाता है तो राउंड ऑफ में देखेंगे राउंड ऑफ के नियम क्या हैं ओके okay, बच्चों तो अगला कॉन्सेप्ट आपको हम पढ़ा रहे हैं रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ लिखिए अपनी कॉपी में रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ओके यस तो पहला रूल है फर्स्ट रूल आई एम रीडिंग आउट इफ द डिजिट टू बी ड्रॉपड इज लेस देन फाइव जिसको ड्रॉप करना है लाइक वन पॉइंट फाइव फोर ओके नीचे थ्री टू कुछ भी है देखो किसको ड्रॉप करना है आपको इसको ड्रॉप करना है ये वाले को हटाना है और डिजिट जो है लेस देन फाइव है देखो चार क्या है लेस देन, देन, फाइव, देन है। फाइव है समझ गए ना तो कुछ नहीं करना है आपको जिसको राउंड ऑफ करना है उसको एज इट इज छोड़ दोगे कुछ नहीं करना है ठीक है ना इफ द डिजिट टू बी ड्रॉपड आउट ड्रॉपड इज लेस देन फाइव जिसको ड्रॉप करना था वो लेस था फाइव से तो उसको इट इज छोड़ दोगे ठीक है ना और इस तरीके से राउंड हो जाएगा सेकेंड टू पॉइंट फोर नाइन सो इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप आउट इज ग्रेटर देन फाइव यस दिस इज द डिजिट टू बी ड्रॉप आउट फ्रॉम हियर दिस इज द डिजिट टू बी ड्रॉपड आउट ओके क्या है ग्रेटर देन फाइव है सो so ये एक को बढ़ा देगा फाइव फोर इस पर इफेक्ट डालेगा फोर पे और यह क्या करेगा उसको बढ़ा देगा टू पॉइंट फाइव क्लियर चलिए नेक्स्ट थर्ड है 3.555 लाइक दिस ऐसा चल रहा है लिखो इसको इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज फाइव अगर जो डिजिट ड्रॉप करना है वो फाइव है अगर जो डिजिट ड्रॉप करना है वो फाइव है जैसे इस डिजिट को आपको ड्रॉप राउंड ऑफ करना है इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज फाइव followed by followed by digit other than zero followed by digit other than zero digit other than zero then the preceding digit is raised by वन देन द प्रसिडिंग डिजिट इज रेस्ड बाई वन देखिए इसके बाद क्या है फाइव है इसके बाद में क्या है ये फाइव है तो ये इसको वन से रेस कर देगा आंसर कितना बन जाएगा थ्री पॉइंट सिक्स इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप डिस फाइव फॉलो बाई द डिजिट अदर देन जीरो ठीक है ना तो ये इसको क्या कर देगा आपको 3.6 पॉइंट सिक्स में बदल देगा अब इसका यूज क्या है बेटा अब आगे समझ में आएगा फोर्थ वाले में जो मैं बोला हूं अभी आगे वाले में समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाहता हूं आपको ठीक अगर आपको डिजिट फाइव को ड्रॉप करना है किसको ड्रॉप करना है डिजिट फाइव को है ना थ्री पॉइंट Uh, बेटा यहाँ पे मैंने एक्चुअली इसको ड्रॉप किया है इसको ड्रॉप किया है ठीक है ना क्या किया मैंने इसको ड्रॉप किया है क्लियर हुआ इसको थोड़ा और अच्छे से समझो देखो एक बार और 3.55, 3.550, बोलो यस 3.550 पॉइंट फाइव फाइव ज़ीरो देखो बेटा हमें इसको ड्रॉप करना है यहां से तो फाइव के आगे क्या है जीरो फाइव के आगे क्या है जीरो तो इस पर कोई चेंज नहीं आएगा नो no चेंज इस पर कोई चेंज नहीं आएगा बोलो आंसर कितना आएगा थ्री पॉइंट फाइव समझे बात को यह बताना चाह रहा था मैं अगला देखो थ्री पॉइंट फाइव फाइव वन थ्री पॉइंट फाइव फाइव One. अब देखो इस पांच को ड्रॉप करना है और इस पांच के बाद क्या बैठा है बेटा वन अगर जीरो था तो नो चेंज बट यदि पांच के आगे कुछ भी बैठा है तो क्या करेगा इसको बढ़ा देगा इसको क्या करा देगा बढ़ा देगा बोलो आंसर कितना थ्री पॉइंट सिक्स पक्की बात मिश्रा जी यहां देखो लिखना बंद करो बिल्कुल लिखने के लिए खूब साधन है बेटा ठीक है ना खूब साधन लिखने के लिए भरपूर देखा करो बेटा चलो जी अगला फोर्थ पॉइंट की बात करता हूं फोर्थ पॉइंट की बात कर ओम ने बहुत बढ़िया नोट्स बनाए हैं मैं चाहूंगा आप लोग भी देखें ओम ने जो नोट्स बनाए हैं उसने सारा का सारा जो मैंने कल नोट्स दिया था उसको पूरा एंट्री करा है उसको अच्छे तरीके से और वो स्कूल के नोट्स हैं तो ऐसे ही मेंटेन करो थोड़ा सा आप लोग भी हैं नोट्स एक लिमिट तक बनाना जरूरी है चलो अगला देखते हैं इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप फाइव फॉलोड बाई द जीरो देन द प्रेडिंग डिजिट इज रेस्ड बाई वन इव इट इज ऑड एंड लेफ्ट अनचेंज एंड लेफ्ट अनचेंज इव इट इज इवें समझो पहले आपके पास कोई नंबर है थ्री पॉइंट सेवन फाइव जीरो ठीक है आपको इसको निपटाना है यहाँ से निपटाना है बोलो हाँ ना इसको ड्रॉप करना है जिसको गायब करना होता है जहां से उसको बोलते हैं ड्रॉप करना है तो यहां से इसको ड्रॉप करना है बेटा तो अब ये जिसको ड्रॉप करना इसके आगे क्या लगा हुआ बोलो इवन क्या लगा हुआ है क्योंकि भाई साहब जो आगे लगा हुआ है इसके यहां थ्री पॉइंट सेवन जो है थ्री पॉइंट सेवन फाइव जीरो ना 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 इससे मतलब नहीं है पीछे वाले से मतलब बच्चों सॉरी हाँ बोलो सेवन क्या बेटा ऑड किससे मतलब है पीछे वाले से किससे मतलब है तो फाइव को ड्रॉप आउट करना है और ये क्या है ऑड है क्या है ये ऑड है तो आगे से मतलब नहीं फाइव को ड्रॉप करना है आपको अगर ये ऑड है तो ये इसको एक बढ़ा देगा बोलो आंसर कितना हो जाएगा थ्री पॉइंट एट थ्री पॉइंट एट हो गया आंसर ठीक है ना सो so आंसर हो गया थ्री पॉइंट एट दूसरा बता रहा हूं अगर पीछे इवन लगा हो फोर पॉइंट सिक्स फाइव जीरो सिक्स फाइव जीरो ठीक है ना फोर पॉइंट सिक्स फाइव जीरो देखिए फाइव को ड्रॉप करना है बोलो ये सोनो यहां से इसको अपन को गैप कराना है तो देखिए फाइव के पीछे क्या लगा है सिक्स लगा है और सिक्स क्या इवन है ना तो चेंज नहीं होगा बोलो आंसर कितना फोर पॉइंट सिक्स ही आएगा है ना यस yes, तो नोट कर लीजिए इसको नोट कर लीजिए यही इसका मीनिंग है हाँ रूल क्या है इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप डिस फाइव और फाइव फॉलोड 0, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेस्ड बाय वन इफ इट इज ऑड एंड लेफ्ट एंड अनचेंज़ इफ इट इज इवन मतलब पांच के पहले अगर इवन था पांच के आगे जीरो है और अगर पहले इवन था ये जीरो भी देखना है आगे जीरो और पीछे क्या है इवन तो इवन में नो चेंज ऑड में एक से बढ़ा दोगे समझ में आ गई बात पक्का सारे क्लियर हैं चलिए सो नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना एरर क्या है बच्चों एरर सो गाइस 2023 एंड 24 के लिए जो सेशन है उसमें मैं आपको बता दूं जो सिलेबस में हमने कवर कर लिया है फर्स्ट है नीड फॉर मेजरमेंट मेजरमेंट की नीड क्या है वो हमने कवर कर लिया यूनिट्स एंड मेजरमेंट ये भी हमने बता दिया आपको सिस्टम ऑफ यूनिट मैंने कवर कर दिए हैं एस आई यूनिट फंडामेंटल एंड डिराइव यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है सिग्निफिकेंट फिगर्स मैंने बता दिए हैं ओके डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एंड डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन तो जो सिलेबस में है बच्चों हमने पूरा कर लिया इस चैप्टर का ये हमारा ऑफिशियली फर्स्ट चैप्टर था क्या था फर्स्ट चैप्टर इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है जो भी आएगा वो आउट ऑफ सिलेबस आएगा है ना आपको वैसे फिजिक्स तो अनलिमिटेड है पढ़ने को आप जो चाहें बहुत कुछ पढ़ सकते हैं मगर एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना नहीं तो वो सब यूजलेस हो जाएगा ठीक है ना हाँ पुरानी बुक्स हैं बुक्स में बहुत कुछ दिया हुआ है चलिए छोड़ते हैं आगे बढ़ते हैं तो अब हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे हमारी प्रैक्टिस क्या कंटिन्यू करेंगे प्रैक्टिस जिसमें हम स्कूल के आए हुए सभी क्वेश्चन आपको आज मैंने एक शीट भेजी है जिसमें स्कूल्स के आए हुए सभी क्वेश्चन अभी तक हमारे पास हैं जितने क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में उनको हम वन बाय वन करेंगे थैंक यू सो मच